बट यहाँ पे सारे कपल्स ही हैं और हम दोनों करेंगे क्या? जय जगन्नाथ। हेलो हाय नमस्ते, दिस इज एपी विपुल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप देख सकते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ धाम पुरी और भी बहुत सारी जगह घूमूंगा और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिखाऊंगा, सारे के सारे इस वीडियो में आपको देखने मिल जाएंगे, तो स्टे ट्यून। और मेरा अभी 6 बजे ट्रेन है तो जल्दी से जाके ट्रेन पकड़ते हैं। बाय बाय। ट्रेन वॉज 2 आवर्स लेट और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था और लॉज बुक करते बैठ देखा और तुरंत ही धराशायी हो गया। और अभी बज रहे शाम के 6:30, मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरा फैमिली निकल गया, मैं हमेशा की तरह फिर से लेट हूँ और अभी कहाँ जा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। चलिए जाके देखते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं। स्वयं स्वप्निल दास कहाँ जा रहे हैं अभी? हम मंदिर जा रहे हैं। कौन सा मंदिर? ऐसे भाई 2 किलोमीटर का लाइन है, मेरे को तो चलने का कोई दिक्कत नहीं है पर मेरे मम्मी पापा को है, तो मेरे को उस बात का थोड़ा कंसर्न हो रहा है। 2 किलोमीटर से हम चल रहे हैं, देखते हैं। और यह है जगन्नाथ मंदिर, पर हम जगन्नाथ मंदिर नहीं जा रहे हैं, दखनी का ले जा रहे हैं, हम कल यहाँ पे आएंगे। चाइनी गुड बाय रो स्पेलिंग कहो तो जी डबल ओ डी बी वाई हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। यहाँ पे पूरी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यहाँ पे हर जगह बंद है, कोई भी कमर्शियल ऑटो टैक्सी कुछ नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा फंस गए थे, हर जगह हमको चल के जाना पड़ रहा था, तो हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं, फिर भी हमने अच्छा खासा फैमिली टाइम अच्छा खासा स्पेंड किया। तो ठीक है, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर और कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और अभी आज कुछ खास प्लान नहीं है, हम रात को जगन्नाथ मंदिर जाने वाले, सुबह बहुत भीड़ रहता है। अभी हम डिसाइड किए हैं थोड़ा रिलेटिव के यहाँ जाने के लिए, तो वो लेने आता ही होगा, तो मैं आपको वो आने से हम आपसे मिलाऊंगा। तो गाइज मेरा जो रिलेटिव है, ये है वो मेरा रिलेटिव और ये रिश्ते में मेरा मामा लगेगा पर है मेरे से छोटा है। और अब हम आ गए, मेरे को घुमाने लाया, ये कौन सा बीच है? नीलाद्री। नीलाद्री बीच ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, बहुत आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा साफ है। और वो है ब्लू बीच, ब्लू फ्लैग बीच, उधर भी जाने का प्लान था पर हम इधर से ही देख दे रहे हैं तो और नहीं जाने का सोच रहे हैं, उधर ही जाके थोड़ा देख दूंगा मैं। ब्लू फ्लैग बीच सेम ही है लोग, ये प्राइवेट बीच है, आपको एंट्री पैसा देके करना पड़ेगा, सेम ही है देख सकते हैं। ये है नीलाद्री, ये है ब्लू फ्लैग। Wow.
खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं लाइट हाउस। लाइट हाउस कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट लगेगा। 20 मिनट के बाद आपको मिलता हूँ। लाइट हाउस हम नहीं गए, हम आए हैं स्टोलिन। स्टोलिन एक ऐसा जगह है जहाँ पे नदी और समुद्र एक जगह में मिला हुआ है, तो हम वहाँ पे आ गए क्योंकि सनसेट हो ही गया था ऑलमोस्ट। तो सोचा वहाँ पे अंधेरा होने से पहले हम वो देख लेते हैं, लाइट हाउस हम बाद में देख लेंगे। चलो हम जाके देखते हैं पहले। ये भाई रे अरे बाप रे हाँ पिकनिक स्पॉट। तो के लोग को देखा हमने चालू थी कौन क्या हाँ पानी बोलता कौन चालू थी इसी तो हास्य से आई थी यार यार कौन बोल ना ना सेड वो ठेलू जी ना समुद्र पानी। ये देखिए वो रहा समुद्र और ये है नदी, यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ पे मछली भी पकड़ रहे हैं, पकड़े भी हैं वो। केमती जानु छो माछ आसुच बोली देखा। ओहो ब्यूटीफुल प्लेस भाई, ब्यूटीफुल प्लेस। जय जगन्नाथ। सुंदर रोड वे, मोस्ट ओनली जी रोड, एक्सी रोड। तो लाइट हाउस हमको जाने नहीं दिया, तो वहाँ पे पुलिस ने रोक दिया, वो ब्लॉक था रोड। तो सोचा कि इट्स नहीं जाते हैं उधर, पेंडिंग हो गया वो नेक्स्ट टाइम के लिए। हम आ गए अभी गांधी पार्क। अब यहाँ पे भी सब अंधेरा अंधेरा ही है, बट जितना हो सके मैं आपको दिखा दूंगा। और गांधी पार्क तो अच्छा ही है, बट यहाँ पे सारे कपल्स ही हैं, और हम दोनों करेंगे क्या हम दोनों का इधर कुछ काम है नहीं, पर बहुत अच्छा है। अगर आप कपल में आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं तो भी आ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइट हाउस तो आपको दिखा नहीं पाया, पर ये पार्क में एक छोटा टावर जैसा है, वहाँ पर मैं चढ़ गया हूँ, तो यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा है। ये देखते हैं वो है वहाँ पर समुंदर, और ये है वो पार्क। टावर से नीचे उतरते समय एक बात पता चला मेरे को कि मेरा पैर वो जो स्टर्लिन का चढ़ाई किया हूँ मैं वो गया है। मेरे को कल सुबह उठ के मेरे को पता चल गया वो पकड़ने वाला है मेरा। तो कल पता चलेगा ना, अभी तो क्या पता चलेगा अभी हम आ गए हैं हैप हैप दिल्ली आइसक्रीम खाने। भाई विश्वास करो ये पूरी में बिल्कुल ठंडा नहीं है, मेरे टाउन के हिसाब से तो बिल्कुल ठंडा नहीं है, तो मुझे तो खाना पड़ रहा है। ओ भाई गुड बाय गुड बाय। रूम पहुंच गया भाई मैं, बहुत टायरिंग था। और भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है पूरी में हर जगह बंद क्यों कर दिया, पुलिस हर जगह बंद कर दिया, और टू व्हीलर इवन ऑटो भी कहीं जाने का लायक नहीं छोड़ा है कोई भी जगह। और कल से सब खुल जाएगा, न्यू ईयर के लिए ऐसा किया और क्या रीज़न है मेरे को पता नहीं है। और कि अभी मेरे को फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद मैं जगन्नाथ मंदिर जाऊंगा, और उसका तो ब्लॉग नहीं हो पाएगा क्योंकि शूट करने नहीं देंगे अंदर, तो मेरे को मोबाइल छोड़ के भी जाना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं, कल और भी कुछ है तो मैं वो दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। इस ब्लॉग के लिए मैं यहीं एंड करता हूं, तो तब तक के लिए गुड बाय।